तो दोस्तों हमारे एयर कार को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 14x7 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर मैंने दो स्ट्रॉ ले लिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकती है इक्वल साइज के, तो इनको हम लोग इसके आगे और पीछे साइड में चिपकाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इसके ऊपर फेविक्विक लगा देता हूँ, फिर मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका दूंगा। तो पहले मैं दोनों साइड में इसको चिपका लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में कुछ इस तरह से इसको अच्छी तरह से चिपका दिया है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर दो बॉटल कैप्स ले लिए है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पेन का रिफिल ले लिया है जिसे हम लोग कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर इसको डालने के बाद अब हम लोग इसको अपने इस वाले स्ट्रॉ के पार करेंगे कुछ इस तरह से, और इसके दूसरे साइड से भी हम लोग इसके दूसरे ढक्कन को भी लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर दोबारा से एक और ढक्कन ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस पीछे वाले में मैंने स्टिक लगाया क्योंकि अभी मेरे पास एक और रिफिल नहीं था, इसीलिए मैं स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। फिर हम लोग कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो कार है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक पाइप ले लिया है, इसको मैंने अपने गन को बनाने में भी यूज़ किया था, अगर आप लोग ने देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस पाइप को लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक चार्ट पेपर ले लिया है, या इसके जगह पर आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको इसमें चिपका देंगे। इसको इसमें चिपकाने के बाद अब हम लोग अपने कार को लेंगे और इसके थोड़े से बीच में हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपकाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप लोग देख सकते मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है, तो दोस्तों इसको हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें चिपकाएंगे। तो थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है, मैं इसको पहले काट लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको काट कर थोड़ा छोटा कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कुछ इस तरह से चिपका दिया। तो दोस्तों ये हम लोग का बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग के बाहर इधर बारिश हो रही है, हवा नहीं चल रही, इसलिए मैं आप लोग इसको थोड़े से फूंक मार के दिखा देता हूँ ये किस तरह से चलेगा। देख सकते हैं जब आप इसमें फूंक मारेंगे तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो दोस्तों चलिए मैं अपने घर के पंखे को लगा के आप लोग को दिखाता हूँ कि जब ये बाहर में आप इसको तेज़ हवा में चलाइएगा तो ये कितनी तेज़ी के साथ चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।